हेलो एवरीवन। तो बाइकॉन एट यूट्रस को लेके मैंने बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर दी हैं। मेरी शुरू से लेके एंड तक जो भी जर्नी रही है वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे सब कुछ अपलोड कर दिया है। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ बाइकॉन एट यूट्रस पे ही लेके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो कि मेरे कमेंट सेशन में आए हुए थे। मैंने वहाँ पे उनका रिप्लाई किया है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको डिटेल में बात करना सही था। तो आज बाइकॉन एट यूट्रस को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ ये सच में ऐसा ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चंस मन में आते हैं, ऐसा डर मन में रहता है। और बहुत से लोगों को सेम टू सेम वही क्वेश्चंस हैं, बहुत से लोगों को वही डाउट्स हैं। तो उन सभी को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया अपने वीडियो में। तो वीडियो के थ्रू मैं आपको आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी। तो हो सकता है आपने भी मुझसे ये क्वेश्चन कभी किया हो या फिर आपके मन में हो, तो आपको उसका जवाब आज मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाइकॉन एट यूट्रस को लेकर सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने लिया हुआ है। तो मुझसे पूछा जाता है अक्सर कि क्या आपको भी पहले मिसकैरेज हुआ है, ये आपका फर्स्ट बेबी है। तो मैं बता दूँ, मुझे मिसकैरेज नहीं हुआ है और मेरा फर्स्ट बेबी है जो कि सी सेक्शन के थ्रू हुआ, और मेरा कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने कंसीव किया और सक्सेसफुल हुई। क्या है अथर? तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका बेबी किस साइड में था, लेफ्ट या राइट में? तो मैं ये बता दूं कि मेरा बेबी राइट साइड में था। तो ये भी क्वेश्चन है, क्या राइट साइड में बेबी होने से बेबी बॉय ही होता है? तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि आपका बेबी अगर लेफ्ट में है तो आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो होने के बाद ही पता चलता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। इसमें साइड से कोई मतलब नहीं होता है कि अगर राइट साइड में बेबी है तो बेबी बॉय होगा और लेफ्ट में है तो गर्ल होगी, ऐसा कुछ है नहीं। दोनों साइड में से किसी भी साइड बॉय या गर्ल हो सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपके यूट्रस का साइज कितना है? तो देखिए, साइज यूट्रस का प्रेगनेंसी के साथ साथ बढ़ता जाता है। पहले महीने में बेबी छोटा होता है तो यूट्रस का साइज छोटा होता है, मतलब कि जैसे जैसे बेबी बढ़ेगा आपके यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है और फिफ्थ मंथ के अराउंड टमी भी दिखने लगता है। तो यूट्रस का साइज पर्टिकुलर एक नहीं होता है कि इतना है तो इतना है, यूट्रस किसी का बड़ा है ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो साइज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं उनका यूट्रस छोटा तो नहीं है, इस वजह से उनको बेबी नहीं हो रहा है या मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज के और भी बहुत रीजन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इस वजह से मिसकैरेज हो जाता है। और एक क्वेश्चन था कि क्या आप बेड रेस्ट में थी? क्योंकि मैंने बहुत बोला हुआ है अपनी वीडियोस में कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट लेती थी। तो रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप बेड रेस्ट ही करेंगी, कुछ भी काम नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी मर्जी से प्रिकॉशंस लेती थी, जितना मुझे नॉलेज था कि ऐसा ऐसा इतना ही काम करना चाहिए। काम मैं सारे करती थी पर कभी भी अपने आप को थकाती नहीं थी, बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखती थी। तो ऐसा था, इस वजह से मैं बोलती हूँ कि रेस्ट बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको थकान होगी तो बेबी को भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए काम तो करें पर आप अपने आप को थकाएं नहीं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मुझे तो रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि किसी का बाइकॉन एट यूट्रस है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हर किसी की बॉडी जो होती है वो अलग रिएक्ट करती है, किसी को ज़रूरत पड़ती है रेस्ट की, किसी किसी को डॉक्टर ही रिकमेंड कर देते हैं रेस्ट के लिए। तो हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी की किसी को ज़रूरत होती है रेस्ट की और किसी को नहीं होती है। तो ये सारे डिपेंड करते हैं आपकी बॉडी रिएक्शन पे, आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है।
तो कई लोगों को तो प्रेगनेंसी हुई भी नहीं है, फिर भी उनको डाउट रहता है कि बाइकोनट यूट्रस में प्रेगनेंसी हो भी सकती है या नहीं। तो ऐसा नहीं है, बाइकोनट यूट्रस आपको लगता है सिर्फ आपका है, आपको आसपास हो सकता है सब नॉर्मल हो, सबके बेबी हो, इसलिए आपको ज़्यादा फील होता हो। तो इस बात को नोटिस ना करें, ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं जिनका बाइकोनट यूट्रस है, उनमें से मैं भी एक हूँ, लेकिन मुझे बेबी हुआ, तो आपको भी बेबी जरूर होगा, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बात अलग है। बाइकोनट होना कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो सी सेक्शन द्वारा डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी के कम चांसेस रहते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ भी मेरे डॉक्टर ने तो मुझे नहीं बोला था शुरू से ही कि मिसकैरेज जैसा भी कुछ हो सकता है या फिर कुछ भी होगा, तो ऐसा आप मन में डर लेके मत चलिए, क्योंकि डर जो होता है ना वो मिसकैरेज नहीं भी होना होगा ना तो भी हो जाएगा, डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बाइकोनट यूट्रस में पेट दर्द होता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पेट दर्द हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है 30 से 34 महीने से या जो भी, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही ना करें। और हाँ, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में पेट दर्द नहीं होता है, स्टार्टिंग हो में भी और बीच में भी, पर हल्का फुल्का दर्द कभी होना वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर का मतलब ये नहीं आप कहीं भी जाके कहीं भी दिखा रहे हैं, क्योंकि बाइकोनट यूट्रस है आपका, नॉर्मली जो गांव या फिर वैसे क्षेत्र है जहाँ पे मेडिकल की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे उनको भी नहीं पता होता है कि ऐसा भी यूट्रस होता है या कुछ, तो वो कुछ अलग ही आपको रिकमेंड करेंगे। तो आप एक अच्छे गायनकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि लेडीज़ का जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, जो भी चीज़ें होती हैं फीमेल को लेके, तो वो सारी चीज़ें गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर ही देखते हैं। फिर भी अगर गायनकोलॉजिस्ट नहीं आए तो एक अच्छे डॉक्टर को तो जरूरी दिखाएं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको आप दिखाएंगे तो वो आपको सही एडवाइस करेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को दिखाएं और रूटीन चेकअप सारे करवाएं। मेरा चेकअप ऐसा होता था कि हर 15 दिन में मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना होता था, ओपीडी में हर 15 दिन में मैं जाती थी, तो सारे चेकअप होते थे जो भी डॉक्टर के, और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी 1-1.5 महीने में रिकमेंड करते थे, तो अल्ट्रासाउंड भी मैं करवाती थी, और जो भी रेगुलर दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो भी आप टाइम पे लीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या मिसकैरेज नहीं होते हैं? जिनकी नॉर्मल यूट्रस होती है क्या उनका मिसकैरेज नहीं होता? उनका भी होता है ना, तो आप ये क्लेरिफाई नहीं कर सकते ना कि बाइकोनट की वजह से ही आपका मिसकैरेज हो रहा है। ये वजह हो सकती है, पर हो सकता है कुछ और भी वजह हो, सारे केस सेम नहीं होते हैं, हर किसी का केस अलग होता है, कहने का मतलब हर किसी की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मुझे भी अजीब सा लगा, पर ऐसा होता है, मुझे भी कुछ मतलब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम ही मुझे भी पता चला था कि ऐसा भी हो जाता है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है और कॉमन सेंस की बात भी है कि अगर आपको प्रेगनेंसी है और साथ ही आपको ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे पॉसिबल है? तो एक कमेंट मेरे पास आया था, वो काफ़ी परेशान थे कि मुझे प्रेगनेंसी भी है और मेरी जो है ब्लीडिंग भी हो रही है, हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं क्या करूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो और प्रेगनेंसी दोनों साथ कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा भी होता है, मैंने बोला ना कि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है, तो किसी किसी को ब्लीडिंग होती है। मैं जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उसी समय मेरी एक फ्रेंड, उनकी भी शादी मेरे साथ ही हुई थी, तो वो भी प्रेग्नेंट थी, हालांकि उनको 3-4 मिसकैरेज हुए, मेरा बेबी मेरी शादी के 4 साल बाद हुआ है, और उनको तो बीच में वो उनका बाइकोनट यूट्रस नहीं है, उनका नॉर्मल यूट्रस है, तो उनको 3-4 मिसकैरेज के बाद बेबी
हुआ और मिसकैरेज भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते थे, कंसीव किया मिसकैरेज हो गया 2 से 3 महीने में। तो उनको भी सेम प्रॉब्लम थी कि ब्लीडिंग भी हो रही थी और अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉक्टर ने किए तो बेबी ठीक था, बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उनकी जो डिलीवरी हुई वो थोड़ा सा अर्ली हो गई थी, मतलब 9 मंथ उन्होंने नहीं कंप्लीट करे, 8 मंथ कंप्लीट होके 9th मंथ स्टार्टिंग में ही उनकी डिलीवरी हुई थी। तो बेबी का वेट वगैरह थोड़ा सा कम था और सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी उनकी, ये प्रॉब्लम हुई थी। और बेबी उनका उनका भी बेबी 1.5 साल का हो गया है, 1.5 साल का हो गया है, अथर्व से थोड़ा सा पहले ही वो हुआ था। तो उनका बेबी 2 साल कंप्लीट कर लिया और उनका बेबी होने के बाद सेकेंड टाइम उन्होंने फिर से कंसीव किया और उनको बेबी गर्ल भी हुई है। तो अगर आपको भी ब्लीडिंग हो रही है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार भी आप डॉक्टर को विजिट ना करें और आप शांत बैठ जाएं, ब्लीडिंग भी नॉर्मली होती है, तो ऐसा सोच के मत रखिए। एक बार आप डॉक्टर को दिखा लें, हो सकता कुछ प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो वैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होती है, पर यूँ कह लेंगे किसी किसी को होती भी है, तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी है और अचानक से आपको हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, डॉक्टर को एक बार दिखा लें कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है या बेबी को कुछ खतरा तो नहीं है या फिर मिसकैरेज वाली ब्लीडिंग है। तो आप एक बार ये दिखवा लें, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी सारे टेस्ट होते हैं वो करवा लें। अगर उसके बाद भी बेबी वहाँ पे ठीक है, सब सारा कुछ ठीक है, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह देंगे, तो उसके बाद शायद आपकी ब्लीडिंग बंद भी हो जाए या फिर हो सकता है आपको डिलीवरी तक ब्लीडिंग होती ही रहे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया ना, मेरी जो फ्रेंड थी उनको डिलीवरी तक 8th मंथ तक बराबर ब्लीडिंग होती रही और उनको कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत कम कम हो रही है, कभी कभी ज़्यादा भी ब्लीडिंग हुई है। तो इस तरह से उनके साथ में हुआ है। तो हो सकता है आपको ब्लीडिंग हो रही हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन आप एक बार दिखा जरूर ले डॉक्टर को कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है, मिसकैरेज में भी ब्लीडिंग ही होती है और मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर से वैसे भी आप जुड़े रहें, जैसे आपको प्रेगनेंसी हुई है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिलीवरी के समय या फिर वैक्सीन लगवाने मतलब टीकाकरण करवाने के लिए ही आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, सिर्फ तभी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तभी दिखा रहे हैं, बीच बीच में भी आप मिलते रहिए डॉक्टर को, दिखाते रहिए, टच में रहिए डॉक्टर के हमेशा ही। और कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप नोटिस करिए कि बेबी मूवमेंट हो नहीं रहा है। और क्योंकि ऐसा भी एक कमेंट आया था मेरे पास में कि बेबी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है या फिर उनको फील नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ कमेंट था। तो 8th 9th मंथ में होता ये है कि स्पेस जो है वो कम हो जाता है बहुत, क्योंकि 8th 9th मंथ में बेबी बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा मूवमेंट पहले जो 5th 6th 7th मंथ में होती हो उसके हिसाब से लास्ट में मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये नेचुरली हो जाता है। लेकिन अगर मूवमेंट बिल्कुल फील ही नहीं हो रही है, एक दिन से 2 दिन हो गए हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। तो आपको मूवमेंट्स वगैरह पे ध्यान रखना है, और मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, ऐसा हो सकता है, पर थोड़ा बहुत होनी चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। और एक कमेंट आया था कि 6th मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए एडवाइस किया है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, तो ऐसा देखिए मत करिए। एक बार मिसकैरेज हुआ है और सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया है, तो लोगों के 3-3 4-4 मिसकैरेज के बाद बेबी होता है, तो कम से कम 2-3 बार तो वेट करिए, इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए किसी भी चीज़ में। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में ट्राई करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, सारी चीज़ें हाइजीन मेंटेन करिए अपना, और डाइट वगैरह सारी चीज़ें ठीक से फॉलो करिए, तो आई थिंक सब ठीक ही होगा। अगर आपने 6 मंथ क्रॉस कर लिए हैं प्रेगनेंसी के, तो 2 महीने और हो सकती है प्रेगनेंसी।
और एक कमेंट आया था कि शादी के 2 साल हो गए और अभी तक एक भी बार कंसीव नहीं किया है, तो आप एक बार डॉक्टर को विजिट करिए, दिखा लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है आप कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो। बाइकोनर यूट्रस है, आप ये रीजन नहीं दे सकते हैं कि इसकी वजह से ही प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और एक भी बार कंसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं तो कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ मिस्टेक आप कर रहे हैं जिसकी वजह से नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। तो आप और ट्राई करिए, अभी 2 साल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों को 4, 5 साल, 8 साल हो जाता है, उसके बाद भी कंसीव हो जाता है, तो ये डिपेंड, ये आप नहीं कह सकते कि आपको कितना टाइम लग जाएगा। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अच्छे से सारा कुछ कीजिए, ट्राई करिए और पेशेंस रखिए, थोड़ा सा खुश रहिए। तो यही सारी जो इसकी मेडिसिन्स बोले या प्रिकॉशंस बोले, जो भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप खुश रहिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, और अपने आप को डिप्रेस मत करिए कि मुझे बेबी नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर सारी चीज़ें करेंगे तो देखिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप बेबी के लिए ही रिलेशन बना रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर्स के साथ में सिर्फ बेबी के लिए जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा कंसीव करना मुश्किल होता है। तो सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसीव होना हो जाएगा नेचुरली, ऐसा कुछ नहीं है कि बाइकोनर यूट्रस की वजह से नहीं हो रहा, और आप इतना दिमाग में प्रेशर देंगे तो प्रॉब्लम ही होगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कई लोगों के कमेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा मिसकैरेज हुआ है, तो एक भी मिसकैरेज होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, एक होप आ जाती है कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और 9 महीने बाद बच्चा होगा, या जो भी चीज़ें हैं, तो एक खुशी का मोमेंट होता है। और मिसकैरेज ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, फिजिकली तो पेनफुल होती है, जिसके साथ में मिसकैरेज जैसी चीज़ हो जाती है, तो उसको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। ऐसे में पार्टनर को चाहिए कि वो आपका अच्छे से ध्यान रखे और आपकी केयर करे, और इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हो सकता है 3 से 4 मिसकैरेज के बाद सक्सेसफुल डिलीवरी हो, क्योंकि ऐसा मैंने भी कई जगह पे रिसर्च किया तो पढ़ा हुआ है कि 3 से 4 लिखा हुआ है जनरली सब जगह, कि इतने मिसकैरेज के बाद जो बाइकोनर यूट्रस है वो नॉर्मल यूट्रस के शेप में आ जाता है, जिससे सक्सेसफुल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो प्रेगनेंसी का गैप होता है, जैसे आपका मिसकैरेज पहले 5 मंथ में हुआ, या पहले 3 में हुआ, फिर 5 में हुआ, फिर 8 में हो रहा है, तो ऐसे से जो गैप होता है वो ख़त्म होता जाता है। हाँ, एक कमेंट ये आया था कि 8 मंथ में मिसकैरेज हुआ है, तो देखिए 8 मंथ में मिसकैरेज, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ लापरवाही कर दी है, क्योंकि अगर 8th मंथ में आप पहुंच गए हैं, तो 8th मंथ में बेबी जो होता है वो, अगर 8th मंथ आपने कंप्लीट कर लिया या मिडिल में है, तो मतलब लास्ट 8th मंथ के लास्ट में है, या फिर 8th मंथ कंप्लीट ही हो गया है, तो फिर मिसकैरेज होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के टच में रहेंगे तो डॉक्टर आपको पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो डिलीवरी वो सी सेक्शन के थ्रू करवा देंगे, जिससे कि बेबी भी सेफ बच जाएगा। तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है, और आप 8th मंथ तक पहुंच गए हैं, तो आपको थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाते रहना है, कि क्योंकि पानी वगैरह की कमी आ जाना, ये सारी चीज़ें लास्ट में हो जाती हैं, या फिर बच्चे के गले में जो नल वो फंस जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी लास्ट के समय में ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको रेगुलर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही वही है जो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको सिर्फ इतना फील हो सकता है कि आपकी बेबी की मूवमेंट्स हो रही है या नहीं, आपको इस बात पे नोटिस करना है। अगर मूवमेंट्स नहीं फील हो रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो आई होप कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, जितने मर्जी जितने क्वेश्चंस हैं, जितने डाउट्स हैं आपके मन में, सारे आप कमेंट करिए मुझे,
मैं इसी तरह से वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी और कमेंट में जितना पॉसिबल होगा मैं उतना रिप्लाई कर दूंगी। तो बाइकॉर्नर ट्यूटर्स या प्रेगनेंसी से लेकर इसी तरह की और भी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।